वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई आपकी। आप रेस्टोरेंट में तो वैसे जा करके सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हैं? चिली पनीर, क्योंकि वो सबको बहुत अच्छा लगता है। और वही मैं अपने घर पे चिली पनीर आपको आज बना के दिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और टेस्टी डिश है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। अब सबसे पहले हम पनीर लेंगे। पनीर मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया हुआ है और मैं इसके छोटे छोटे पीसेस ऐसे कट करके अलग कर लूँगी। इस तरह से पनीर के पीसेस आप छोटे छोटे कट कर लीजिए। अब इस तरह से हम अपने पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। फिर हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपना मिक्स करेंगे मैदा। मैदा हम लेंगे इसके घोल बनाने के लिए 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून हम मैदा डाल लेंगे इसमें, ये। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम लेंगे इसमें अपने हिसाब से 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया हुआ है कॉर्नफ्लोर। फुल 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ है। और थोड़ी मात्रा इसमें हम सॉल्ट की डालेंगे। सॉल्ट बेसिकली इसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल लेंगे और बहुत थोड़ा सा चुटकी भर हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। ये हमने घर पे बनाया है इसलिए बहुत तीखा है, तो हमने बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून की मात्रा से हल्दी डाल देंगे। हल्दी मैंने नहीं मिलाया हुआ था, ये हल्दी डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून की मात्रा से हल्दी और पानी। पानी डालने के बाद इसका घोल जो है वो बिल्कुल एकदम पतला घोल नहीं बनना चाहिए। पानी ऐसे आप ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर बाद ये देखेंगे एकदम एक बराबर का घोल बन जाना चाहिए। बहुत गाढ़ा भी नहीं बने और बहुत पतला भी ना बने घोल आपका। ये देखिए इस तरह से ये घोल बनाकर आप तैयार कर लीजिए। अब हम अपना ऐसे घोल में थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का ही घोल का लेयर हम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत डीप लेयर हो जाता है ना तो पनीर हमारी इतनी क्रंची नहीं बनती है। ऐसे डाल के हम अपना घोल में पनीर को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का घोल कर लेयर लगा के आप पनीर को अपने फ्राई करने के लिए तैयार कर लीजिए। अब हम सबसे पहले, ये हमारा फ्राइड हो गया है पनीर, अब हम अपनी गैस चला के उस पर अपनी कढ़ाई रख लेंगे। ये हमने लोहे की कढ़ाई ली है। अगर इस तरह से आपके पास बड़ी लोहे की कढ़ाई हो तो उसमें चिली पनीर बनाना बहुत अच्छा रहता है। अब सबसे पहले हम अपना तेल लेंगे। ये हमने सरसों का तेल लिया हुआ है। तेल वैसे भी हम खाने में अपने बहुत ही कम रखते हैं, तेल बहुत ज़्यादा हम डाल करके खाना नहीं बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी कम तेल में कुछ अच्छा बना करके दिखाएं। ये हमने जो तेल डाला हुआ था, तेल में हमने 3-4 अदरक के टुकड़े उसको बारीक क्रश कर लिया था, 2 लहसुन लिया हुआ था उसको बारीक चॉप किया था, और एक प्याज। प्याज को हमने इस तरह से काट के टुकड़े टुकड़े में इसमें डाल लिया है, और 2 हरी मिर्ची डाली हुई है, लंबी कटी हुई मिर्ची डाल दिया मैंने। अब ये प्याज आपका देखिए हल्का हल्का सुनहला हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च जो कि हमने काट के रखा हुआ है, इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ये बस कलर इसका चेंज हो जाए बहुत लाइट सा। फिर इसमें हम थोड़ा अपना अभी पहले सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डाल देने से क्या होता है कि ये गलता जल्दी है, और सॉल्ट आप बहुत ही कम डालिएगा चिली पनीर में, 1/2 टीस्पून करीब करीब, क्योंकि हमारे और भी इंग्रेडिएंट्स में बहुत सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट की मात्रा हम कम रखेंगे। अब ये देखिए हमारा शिमला मिर्च भी इसमें थोड़ा सा कलर इसका बदल गया है। अब हम आँच थोड़ी कम कर देंगे और इसमें डालेंगे हम अपना सोया सॉस। सोया सॉस हमने लिया हुआ है इसमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं अगर कलर थोड़ा हल्का लग रहा है तो। इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून अपना रेड चिली सॉस, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, हल्का सा पानी डालेंगे
और इसको चला लेंगे। देखिए इसका कलर थोड़ा सा अभी डार्क का कलर है, इससे कोई बात नहीं, अभी हल्का हो जाएगा रंग इसका। अब ये इसमें हम मिक्स करेंगे अपना कॉर्नफ्लोर का पाउडर, जो कि हम टेबल स्पून के हिसाब से लेंगे। इसमें लेंगे हम 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि हम ड्राई चिली पनीर बना रहे हैं। ये आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल करके घोल में इसको मिक्स कर लीजिए ऐसे। ये देखिए इस तरीके से आप मिक्स करके इसमें अपना आप घोल थोड़ा थोड़ा करके डालती जाइए। घोल डाल करके अब इसमें हमने थोड़ी मात्रा रेड चिली पाउडर के लिए है, क्योंकि ये तीखा बहुत ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून या उससे कम अगर आप लेते हैं तो भी बहुत रहेगा। ये आप मिला लीजिए और इसमें थोड़ी पानी की आवश्यकता आपको और पड़ेगी, हल्का सा। अब ये देखिए इसका थोड़ा सा ड्राइनेस में आने लगी है। अब हम डालेंगे इसमें अपना चिली पनीर, क्योंकि हमने ये फ्राइड करके रखा हुआ है। अभी भी एकदम से पूरी तरह से क्रंची है हमारा चिली पनीर, तो हम इसमें मिक्स कर लेंगे पनीर से पूरा। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए इसमें तैयार कर लेंगे थोड़ा भून के। अब आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल कर लीजिए, वो थोड़ी मात्रा। ये देखिए ये आपका एकदम बढ़िया सा कलर आ गया चिली पनीर का, और इस तरह से आपका चिली पनीर बन करके तैयार हो गया। शिमला मिर्च मैंने कम रखा है क्योंकि मेरी फैमिली में लोग शिमला मिर्च कम खाते हैं। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 1/2 शिमला मिर्च और भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से बना करके आप धनिया पत्ती के ऊपर से स्प्रिंकल कर करके आप अपना चिली पनीर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा चिली पनीर का हमारे कलर आया हुआ है। और इस तरह से देखिए आपका बिल्कुल क्रंची और जूसी चिली पनीर बन करके तैयार है। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।